गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेरिटोरियल और जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन. व्हेन सेवरल एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइज आर जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड इन डिफरेंट लोकेशन, टेरिटोरियल और जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन मे बी अडॉप्टेड. ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर एरिया और जोन मे बी ग्रुप्ड टुगेदर अंडर वन जोनल मैनेजर और हेड. तो टेरिटरी में क्या होता है, आपने देख सुना होगा कि ये टेरिटरी मैनेजर है. टेरिटरी मैनेजर में ये होता है कि एक तीन चार सिटीज़ आपके अंडर आ जाती हैं, ठीक है. जैसे टेरिटरी मैनेजर होगा लुधियाना का, तो उसके अंडर जैसे ये भी हो सकता है कि जलंधर हो, कपूरथला हो, फगवाड़ा हो, ऐसे करके, ठीक है. एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस क्या हैं. इट इनेबल्स एन एंटरप्राइज टू केटर टू द नीड ऑफ लोकल पीपल इन अ सेटिस्फैक्ट्री मैनर. इससे जो है हम लोकल लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि टेरिटरी मैनेजर जो है वो आगे टेरिटरी नेक्स्ट अपने जो उनके अंडर काम कर रहे होते हैं हेड्स, उनको बोलता है कि लोकल जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को समझा जाए. नेक्स्ट इज इट इनेबल्स अ कंसर्न टू मेक यूज़ ऑफ लोकेशनल एडवांटेजेस, ठीक है. तो एक तो ये लोकेशन वाइज भी एडवांटेज होती है. जैसे फॉर एग्जांपल लुधियाना में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो प्रोडक्ट जो है उसकी सेल ज़्यादा होगी. ऐसे कपूरथला जो है उसकी पॉपुलेशन थोड़ी कम है, वहाँ कम सेल्स होंगी थोड़ा, ठीक है. तो लोकेशन की एडवांटेज भी होती है, ठीक है. नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव कंट्रोल. एक तो इससे इफेक्टिव कंट्रोल होता है, ठीक है. नेक्स्ट इट फैसिलिटेट इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. तो इससे क्या है, एक तो इफेक्टिव कंट्रोल होता है और कोऑर्डिनेशन जो है वो बनी रहती है. जैसे आपको अपनी टेरिटरी के अंडर जितने भी आती हैं सिटीज़ उनका पता रहता है, ठीक है. नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस में आएगा इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड ऑफ क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स एंड ओवरहेड कॉस्ट आर आल्सो इंक्रीज्ड. क्या होता है कि ये थोड़ा महंगा मेथड होता है, ठीक है, और इसमें जो ओवरहेड कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है. ओवरहेड कॉस्ट होती है जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब उसको ट्रांसपोर्ट करना है, मार्केट में लेके जाना है, उसकी सेल करनी है, तो वो ओवरहेड कॉस्ट होगी जो बेसिक के ऊपर आपकी लगेगी, ठीक है. इट लीड्स टू डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ विच क्रिएट्स कन्फ्यूजन एंड इन्वॉल्व्स कॉस्ट. इससे क्या होता है, एक तो डुप्लीकेशन होती है एक्टिविटीज़ की, ठीक है, और कन्फ्यूजन होती है. जैसे एक सिटी में उन्होंने किसी तरीके से काम किया, दूसरी सिटी में फिर वही काम, जैसे जलंधर सिटी का काम लुधियाना सिटी ने कर दिया और उनको इन्फॉर्म नहीं किया, तो लुधियाना वालों ने फिर से वही काम अगेन रिपीट कर दिया. तो क्या है, कन्फ्यूजन होगी, डबल बार हमें काम करना पड़ा, ठीक है. कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस टेरिटोरियल डिविजन्स में बिकम डिफ़िकल्ट. कभी कभी क्या होता है, टेरिटरी हेड्स की नहीं बनती एक दूसरे के साथ, तो उनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं हो पाती, ठीक है. तो आई होप आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हो. इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. थैंक यू.